यहाँ पर 2012 के बाद अभी मैंने आपको गिनवाया। आप देख रहे हैं केवल सचमुच। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस में टूट का डर है तो दूसरी तरफ बिहार के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसी बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में कोई भी खेला हो जाए, आपको शायद जानकारी हो कि बिहार में 2012 के बाद नीतीश का 6ठा से 7वां प्रयोग है। केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, बिहार में नीतीश चाहे महागठबंधन के साथ रहें या अकेले रहें या फिर बीजेपी के साथ रहें, इससे बिहार में क्या बदल गया? क्या आज बिहार में बच्चे के पढ़ने के लिए व्यवस्था अच्छी हुई? बिहार में क्या चीनी मिल चालू हुई? बिहार के लोग को रोजगार तो मिला नहीं, बिहार के लोग आज भी पलायन के लिए मजबूर हैं। बिहार में किसी की भी सरकार बन जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी भी तरह का खेला हो जाए, बिहार में परिवर्तन आने वाला नहीं है। बिहार में खेला तो तब होगा जब बिहार की जनता खुद खड़ा होकर जितने भी खेला करने वाले लोग हैं उन्हें झाड़ू मारकर बाहर करेगी, तब असली खेला होगा। सुनिए प्रशांत किशोर आगे। यहाँ पर 2012 के बाद अभी मैंने आपको गिनवाया, ये 6ठा 7वां सरकार का प्रयास है। क्या फर्क पड़ गया? चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो या केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहें, अकेले रहें या भाजपा के साथ रहें, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं, तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहाँ परिवर्तन आने वाला नहीं है। खेला तो तब होगा जब जनता खड़ा होकर जितने खेला करने वाले लोग हैं इन सबको झाड़ू मारकर बाहर जब करेगी, तब असली खेला होगा।